फिटनेस मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अगर लंबे समय तक किसी भी पोजीशन में बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं और जैसे ही आप उठते हैं तो आपकी हड्डियों में दर्द होता है और जॉइंट में से कट कट की आवाज आती है। अगर हल्का सा ही भाग दौड़ वाला काम करे तो घुटनों में, पैरों में या कोहनियों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आज इस वीडियो में हम इतने सारे घरेलू नुस्खे और साथ में कामयाब उपाय के बारे में बात करेंगे। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से इन सारे नुस्खे और उपाय का पालन करेगा, मात्र 7 दिन में ही उसको अपने हड्डियों और जॉइंट के दर्द में बहुत ही गजब का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जॉइंट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो कार्टिलेज है, यानी कि एक झिल्ली होती है जो कि हड्डियों के बीच में होती है, और वह एक स्पॉन्ज का काम करती है। चलते फिरते दौरान बढ़ती उम्र के साथ वह कमजोर हो जाती है और घिस जाती है। पर आजकल जीवन शैली ऐसी हो गई है कि युवाओं के अंदर भी इस समस्या को देखा जा रहा है। जिस भी व्यक्ति ने कभी जिंदगी में जॉइंट पेन को महसूस कर रहा होता है, वह ही जानता है कि यह कितनी ज्यादा लाचार कर देने वाली एक कंडीशन है। पर हर चीज का समाधान होता है दोस्तों, बस उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो हम आपको बताने वाले हैं, आप इन्हें 7 दिन के लिए नियमित रूप से इसका पालन करिए और फिर आपका जो एक्सपीरियंस होगा वह हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर तो जरूर करिएगा। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि रोजाना सुबह उठते सार ही खाली पेट मेथी वाला पानी पीना है। मेथी के अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी जोड़ों से सूजन को कम करने में मदद करती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक गिलास पानी को अच्छे से बॉईल कर लें और फिर एक चम्मच मेथी दाना को इसमें डालकर उसे छोड़ दें। 10 से 15 मिनट ऐसा करने के बाद जितना भी मेथी दाने का सत्व है वह इस पानी के अंदर आ जाएगा और फिर गुनगुना रहते इस पानी का सेवन करें। दूसरा काम आपको यह करना है कि रोजाना आपको दिन में एक बार तो तिल के तेल के साथ दर्द वाली जगह पर उससे हल्के हाथों से मसाज करनी है और फिर वहाँ पे हॉट फोमेंटेशन करनी है, यानी कि गर्म पानी में कपड़े को गीला कर वहाँ पे सिकाई करनी है। तिल के तेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे कि सेसामॉल के नाम से जाना जाता है। सेसामॉल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जॉइंट पेन में इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करने में मदद करती हैं, और इस मसाज के बाद जब हम वहाँ पे गर्म पानी में भिगोए हुए कपड़े से सिकाई करते हैं तो इससे उस एरिया के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वह बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है और ओवरऑल हमारी जॉइंट्स के दर्द में और उसकी कंडीशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। तीसरा घरेलू उपाय है कि रोजाना सोने से 30 मिनट पहले एक गिलास हल्दी वाला दूध पिएं। हल्दी के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे जाना जाता है करक्यूमिन के नाम से। बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज में यह पाया गया है कि करक्यूमिन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। यह भी हमारे शरीर से इन्फ्लेमेशन सूजन को दूर करते हैं और बॉडी के सेल रिपेयर प्रोसेस में मदद करते हैं। दूध का सेवन करने से भी हमें कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है, जिसका इस्तेमाल हमारी बॉडी हड्डियों और जॉइंट्स को सपोर्ट और रीडेवलप करने में करती है। एक गिलास दूध को गर्म कर लीजिए और फिर उसके अंदर 1 से 2 चुटकी हल्दी को मिलाइए। और ध्यान हमें यह रखना है दोस्तों कि इस दूध को थोड़ा सा गर्म रहते ही हमें इसका पीना है। यह तो हो गए घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आइए कुछ उपाय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपना वजन कम करना है। जिस भी व्यक्ति का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ होता है उसकी हड्डियों और जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है। इस वजह से जिस भी व्यक्ति का वजन कम होता है उसको चलने फिरने में बहुत ज्यादा आराम रहता है। दूसरा, आपको चीनी खानी तो बिल्कुल बंद कर देनी है। चीनी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्लिनिक साइंस के अंदर हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने के लिए। जो भी इंसान चीनी का अधिक सेवन करता है उसके शरीर में जॉइंट इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो इसलिए जितना हो सके चीनी से आप दूर रहें। तीसरा उपाय है कि दिन में करीब 10 से 20 मिनट की वॉकिंग तो जरूर करें और अगर आपका शरीर अलाउ करता है तो आप थोड़ी सी योगा भी जरूर करें। वॉकिंग या फिर योगा करने से हमारी हड्डियां और जॉइंट्स अच्छे रूप से काम कर पाती हैं, साथ में उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है और इस चीज का सीधा असर जो है उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट पर देखा जा सकता है। चौथा उपाय है कि दिन में 2 बार ग्रीन टी में अदरक डालकर इसे उबाल कर पिएं। ग्रीन टी के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे जाना जाता है EGCG के नाम से। EGCG एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर में सूजन को कम करने का काम करता है, शरीर से एक्स्ट्रा रेडिकल टॉक्सिक को बाहर निकालता है और इस चीज का ओवरऑल हमारी हड्डियों और जॉइंट हेल्थ पर बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। और इस चाय के अंदर अदरक का यह रोल होता है कि अदरक के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे जाना जाता है जिंजरोल के नाम से।
गिंजरॉयल भी जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा सहायक पाया गया है। यह भी शरीर से इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और खासकर आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में यह बहुत ज्यादा काम आता है। और आखिरी उपाय रोजाना आपको यह करना है कि आपको 15 से 20 मिनट की धूप में जरूर बैठना है। और खासकर यह ध्यान रखें दोस्तों कि जहां तक हो सके 8 से 12 बजे के बीच में सुबह जरूर बैठें। धूप का सीधा इस्तेमाल हमारा शरीर विटामिन D3 को बनाने के लिए करता है और यह तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी का कितना ज्यादा अहम रोल होता है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में और साथ में जॉइंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों अब आपको भी पता चल गया है कि रोजाना आपको किन बातों का नियमित रूप से पालन करना है अपनी हड्डियों और जॉइंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने प्रियजनों में भी इस वीडियो को शेयर तो जरूर करें ताकि और लोगों तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। हम जल्दी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।